प्रकृति का नियम है, जो हम इसे देते हैं बदले में ये हमें वही देती है। मनुष्य और पर्यावरण शुरू से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन कुछ समय से अनचाहे मानवीय दखलों के कारण हमारी धरा बहुत से विपरीत हालातों से जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जल और वायु प्रदूषण इत्यादि ऐसी कई समस्याएं प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है, जिसके साथ ही भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में डेरा सच्चा सौदा की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। संत डॉक्टर गुरमीत राम हिम सिंह जी इंसा ने वातावरण को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए अनेकों अभियान चलाए हैं। उन्होंने पौधारोपण अभियान, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप नाम से सफाई अभियान इत्यादि द्वारा लोगों को वातावरण शुद्धि की तरफ प्रेरित किया है। मरण उपरांत अस्थियां पानी में विसर्जित ना करके उन पर पेड़ लगाकर जल संरक्षण में गुरुजी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने किसानों को खेती करने की ऐसी तकनीक बताई है जिससे कम पानी में ज्यादा पैदावार हो सके। इसके साथ ही किसानों को पराली ना जलाकर उसको जानवरों के आहार के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा भी दी है। हमारे धर्म भी कहते हैं कि अगर वातावरण शुद्ध होगा तो भगवान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। हमारा पर्यावरण भी हमसे मदद की अपेक्षा रखता है, जिससे इस पृथ्वी पर जनजीवन सदा कायम रहे। पर्यावरण दूषित होने के कारण बहुत सी भयानक बीमारियां लोगों को घेर रही हैं। पर्यावरण ही जीवन के अस्तित्व का आधार है, जो हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाता है। इसलिए हम सबको मिलकर विश्व वातावरण दिवस पर यह प्रण करना चाहिए कि हम प्रकृति से कभी कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे।